हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे इलाई नामक फिल्म देखी और इस फिल्म की नैरेटिव मुझे काफ़ी पसंद आई। इलाई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसे कायरन फॉय ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे 18 अक्टूबर को रिलीज़ हुई है। मैं यहाँ इस फिल्म की रेटिंग्स वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि दिस फिल्म इज़ क्वाइट न्यू और रेटिंग्स फिलहाल हर घंटे फ्लक्चुएट हो रही है। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर इलाई मूवी की कहानी जानते हुए इसकी ट्विस्टेड एंडिंग पे चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात ये कि इस वीडियो में ढेर सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपको स्पॉयलर्स पसंद नहीं तो आप पहले जाके मूवी देख लें फिर इस वीडियो को देखें। और दूसरी बात ये कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें क्योंकि मैं वहाँ आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ एंड आई एम वेरी क्लोज टू 10K फॉलोअर्स। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक इलाई नाम के बच्चे को देख पाते हैं जिसे एक अजीब सी बीमारी थी। इस बीमारी में इलाई आउटसाइड वर्ल्ड में सांस तक नहीं ले पाता था क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम बाहर की टॉक्सिसिटी को झेल नहीं पाती थी। अगर वो खुले हवा में सांस भी लेता था तो उसके शरीर पर अजीब तरह के बर्न्स आने लगते थे, विच वो फेटल। इलाई के माता पिता, जिनका नाम रोज और पॉल मिलर था, वो इलाई को हमेशा एक प्लास्टिक कवर टेंट के अंदर रखते थे जहां वो क्लीन एयर, क्लीन वाटर और क्लीन फूड कंज्यूम करता था। इफ इन केस इलाई को बाहर जाना हो तो मिलर्स उसे एंटी एलर्जिक जैकेट्स वगैरह पहनाकर बाहर ले जाते थे ताकि वो बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। इलाई के इलाज के लिए मिलर्स ने कई डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था जिस वजह से इनकी फिनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। तो ऐसे ही एक बार मिलर्स इलाई को एक स्मॉल टाउन डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे जो कि मिराकल वर्कर थी। इलाई के पिता पॉल का कहना था कि उस डॉक्टर ने इलाई जैसे बच्चों को ठीक किया है एंड दिस इज देयर लास्ट होप। तो ये लोग कार में बैठकर डॉक्टर के घर की तरफ जाते हैं और टाउन पहुंचने पर इलाई को एक लड़की दिखती है जो कि उसे ही देख रही थी। डॉक्टर के घर के बाहर कोई डोर बेल नहीं था और मिलर्स फैमिली के वहां आने पर डोर्स अपने आप ही खुलती है। इस डोर के अंदर सबसे पहले इलाई जाता है जिसे डीकॉन्टामिनेशन चेंबर में क्लिंज किया जाता है एंड फाइनली वो अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर आ पाता है। घर के अंदर इलाई का स्वागत डॉक्टर हॉर्न और उनकी दो नर्सेज बारबरा एंड मैरिसेला करती है और डॉक्टर हॉर्न का कहना था कि ये घर एकदम एयर टाइट है जिस वजह से घर के अंदर की हवा, पानी वगैरह एकदम क्लीन है। इलाई यहाँ अपना सूट उतार सकता है, क्लीन वाटर से नहा सकता है और जल्द ही डॉक्टर हॉर्न उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगी। इलाई डॉक्टर से पूछता है कि क्या इससे पहले उन्होंने अपने सारे पेशेंट्स को ठीक कर दिया था, तो इस पर डॉक्टर बोलती है कि वो इलाई को ठीक कर देगी। सी फर्दर एड्स कि इलाई के अंदर RAG1 RAG2 की डिफेक्टिव जीन्स है जिसे वो रीप्रोग्राम करके ठीक करने की कोशिश करेगी बाय इंजेक्टिंग अ वायरस जो कि उसके इम्यून सिस्टम को ऑटो बिल्ड करेगा। तो उस रात इलाई अपने कमरे में सोने की कोशिश करता है जब उसके कमरे की खिड़की पे कोई अदृश्य इंसान सांस ले रहा था। जब इलाई खिड़की के नज़दीक जाता है तो एक इनविजिबल ह्यूमन हैंड इस खिड़की को स्क्रैच करती है। इलाई वो स्केयर्ड और वो अपने पेरेंट्स के कमरे में सोने चला जाता है। तो नेक्स्ट डे इलाई की ट्रीटमेंट की फर्स्ट प्रोसीजर शुरू होती है जहां डॉक्टर उसके शरीर में एक वायरस इंजेक्ट करती है और डॉक्टर का कहना था कि ये वायरस उसके बोन मैरो के स्टेम सेल्स को रिपेयर करेगा। ट्रीटमेंट के दौरान इलाई रिफ्लेक्शन में एक वियर्ड बच्चे को देखता है लेकिन जल्द ही वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर इलाई अपने कमरे में था और वो कमरे की खिड़की से बाहर उसी लड़की को देखता है जिसे उसने टाउन को एंटर करते वक्त देखा था। इस लड़की का नाम हेली था और ये दोनों एक दूसरे से ग्लास के थ्रू बातें करने लगते हैं। हेली का कहना था कि ये जगह उसे पसंद नहीं है, स्पेशली डॉक्टर हॉर्न, क्योंकि दिस प्लेस गिव्स अ क्रीप्स। तो इसके बाद इलाई घर में इधर उधर घूमने लगता है जब उसे यहाँ एक बच्ची की घोस्ट दिखती है। ये घोस्ट इलाई को चेज करने लगती है और इलाई इससे काफ़ी फ्रीक आउट होता है। एंड वक्त पे इलाई के डैड वहाँ आते हैं जो उसे इधर उधर घूमने से मना करते हैं। इलाई का कहना था कि उसने हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट के घोस्ट को देखा है लेकिन नो वन वॉज रेडी टू बिलीव हिम। इन घटनाओं के दौरान इलाई महसूस करता है कि घर के पाइप से अजीब तरह की साउंड्स आती हैं और इस पर डॉक्टर हॉर्न का कहना था कि ये साउंड्स एयर फिल्टर्स के हैं।
तो अगली रात इलाई को फिर से अपने कमरे में कर्टन के पीछे एक घोस्ट दिखती है और ये घोस्ट विंडो पे उसके नेम से ई हटाकर लाई लिख देती है। इलाई फ्रीक आउट होकर चिल्लाने लगता है और एन वक्त पे उसके पेरेंट्स आकर उसे होश में लाते हैं। इन एक्टिविटीज को देखकर डॉक्टर का कहना था कि इलाई को मोस्टली कुछ विजन्स आ रही होगी जो कि मेडिकेशन की साइड इफेक्ट्स है। शी फर्दर एड्स कि इलाई की हालत ठीक होने से पहले थोड़ी और बिगड़ जाएगी। तो नेक्स्ट डे इलाई की ट्रीटमेंट की सेकेंड प्रोसीजर शुरू होती है जहां डॉक्टर्स उसके ब्रेन में ड्रिल वगैरह करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद इलाई वॉज नॉट फीलिंग ओके और वो यहाँ से जाना चाहता था। इलाई के पिता पॉल इस बात से काफ़ी नाराज़ होते हैं और वो इलाई को इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस करते हैं। इलाई को हमेशा पानी चढ़ाया जा रहा था एंड हिज डैड वॉज वेरी एडमेंट कि वो इसे अपने शरीर से बाहर ना निकाले। तो उस रात एक बार फिर से घोस्ट इलाई पर अटैक करते हैं और इलाई उनसे बचने के लिए क्लॉजेट में छिप जाता है। जब इलाई के पेरेंट्स और डॉक्टर यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि क्लॉजेट नीचे गिर के टूटा हुआ था और इस क्लॉजेट पे किसी ने स्क्रैच करके बार बार लाई लिख दिया था। इलाई का कहना था कि उसने ये सब नहीं किया है, लेकिन सभी लोग मान रहे थे कि मेडिकेशन की साइड इफेक्ट से इलाई ये सब हरकतें कर रहा है। इलाई स्टिल बिलीव्स कि इस घर में घोस्ट्स हैं, लेकिन डॉक्टर हॉर्न का कहना था कि उनके किसी भी पुराने पेशेंट्स ने घोस्ट के होने की बात नहीं करी थी। उस रात इलाई फिर से हेली से मिलता है और वो बताता है कि उसके हिसाब से ये घर हॉन्टेड है। हेली बिलीव्स हिम और वो कहती है कि पेरी भी इस घर के हॉन्टेड होने की बातें करता था। अब दोस्तों पेरी इलाई से पहले इस घर में पेशेंट था और हेली का कहना था कि थर्ड प्रोसीजर के बाद पेरी इस घर से ना तो वापस बाहर आया ना ही वो इस घर में कभी दोबारा देखा। ये सब सुनकर इलाई वॉज फीलिंग इनसिक्योर और वो इस घर से भाग जाने की सोचता है। उसी रात इलाई पे वापस घोस्ट्स अटैक करते हैं और इस बार ये घोस्ट उसे उठाकर घर के बाहर डाल रहे थे। रिफ्लेक्शंस में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इलाई पे तीन घोस्ट्स हमला कर रहे थे और जैसे ही ये घोस्ट्स इलाई को घर के बाहर कॉन्टामिनेशन चेम्बर में डालते हैं इलाई बर्न होना शुरू हो जाता है। एन वक्त पे डॉक्टर हॉर्न वहाँ आती है और वो इलाई को घर के अंदर लाकर बचाती है। अंदर आने पे इलाई यहाँ से जाने की जिद करने लगता है और वो पेरी के बारे में बातें करता है। पेरी का जिक्र होने से डॉक्टर हॉर्न वियर्ड बिहेव करती है और इलाई गुस्से में एक कांच तोड़ देता है जिसके बाद ही पासेस आउट। तो अगले दिन डॉक्टर हॉर्न पॉल से कुछ बातें कर रही होती है जब रोज वहाँ आती है। डॉक्टर हॉर्न कहती है कि उन्हें इलाई को एक नींद की गोली देनी होगी ताकि उसके बॉडी को आराम मिले। रोज खुद ये टैबलेट इलाई को खिलाती है लेकिन इलाई अपनी मॉम को ट्रिक करके टैबलेट नहीं खाता है। मीनवाइल हम भी उस पैरेलल में डॉक्टर हॉर्न को देख पाते हैं जो कि इलाई के एंटी एलर्जिक सूट को जला देती है। तो उस रात इलाई फिर से हेली से बातें करता है जहां वो लाई वर्ड को डिकोड करता है। लाई को उल्टा देखने पे 317 दिखता है जो कि मोस्टली मेडिकल यूनिट के डोर का कोड होगा। इलाई देर रात मेडिकल यूनिट में जाता है जहां 317 कोड डालने से डोर खुल जाती है। इलाई इस यूनिट के ऑफिस में जाकर अलग अलग फाइल्स चेक करने लगता है जहां उसे अपनी फाइल मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रोज और पॉल एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं क्योंकि थर्ड प्रोसीजर के बाद शायद इलाई जिंदा नहीं बचता। पॉल ने रोज से ये बात छिपाई थी और रोज को हमेशा ऐसा लगता था कि डॉक्टर हॉर्न ने अपने सारे पेशेंट्स को ठीक किया है। रोज वॉज नॉट रेडी टू टेक द रिस्क लेकिन पॉल वॉज एडमेंट कि थर्ड प्रोसीजर होनी चाहिए। पॉल इवन सेज कि ये सब रोज की गलती है। रोज डिसाइड्स कि वो इलाई को अपने साथ यहाँ से ले जाएगी लेकिन डॉक्टर हॉर्न उन्हें कन्विंस करती है कि वो इलाई को बिल्कुल ठीक कर देगी। वहीं इलाई को ऑफिस में पेरी एग्नेस और लूसियस नामक बच्चों की फाइल्स मिलती है और ये सभी पेशेंट्स थर्ड प्रोसीजर में मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों डॉक्टर हॉर्न का कोई भी पेशेंट आज तक जिंदा नहीं बचा था एंड इलाई वॉज क्वाइट श्योर कि अगर उसकी थर्ड प्रोसीजर हुई तो वो भी मारा जाएगा। इलाई फौरन ही अपने डैड के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताता है लेकिन इलाई के डैड थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे। वो इलाई को एक कहानी सुनाकर अपने पास बुलाते हैं एंड वाइल हगिंग वो इलाई को सेडेटिव से इंजेक्ट करते हैं ताकि इलाई बेहोश हो जाए। इलाई पे इस सेडेटिव का कोई असर नहीं होता है और डॉक्टर हॉर्न अपनी नर्सेज के साथ इलाई को मेडिकल रूम में ले जाने लगती हैं। इलाई किसी तरह इन सब से बच के भागता है लेकिन फाइनली वो एक सीक्रेट डोर के थ्रू अंडरग्राउंड प्लेस में जाकर फंस जाता है। ये जगह थोड़ी अजीब थी क्योंकि यहाँ क्रूसिफिक्स वगैरह थी और इस जगह से काफ़ी रिलीजियस वाइब्स आ रही थी। यहाँ इलाई को डॉक्टर हॉर्न की एक तस्वीर भी दिखती है जहाँ डॉक्टर हॉर्न एक नन के पहनावे में थी। दिस प्लेस वॉज ऑल्सो नॉट क्लीन जिस वजह से इलाई बर्न और सफोकेट होकर बेहोश हो जाता है। जब इलाई को वापस होश आता है तो वो एकदम नॉर्मल था एंड ही फील्स कि वो एकदम ठीक हो गया है। इस सीन में एक बहुत बड़ी ट्विस्ट है क्योंकि हम व्यूअर्स रियलाइज करते हैं कि इलाई कभी बीमार था ही नहीं।
तो इसके बाद रोज इलाई पे चेक करने आती है, जहां इलाई होश में ना होने का नाटक करता है। और जैसे ही रोज चेंबर के अंदर आती है, इलाई उन पे हमला करके यहां से निकलता है। इलाई एक फायर एक्सटिंग्यूशर से घर की ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है, जहां हेली उसे काफी इनकरेज कर रही थी। हेली बोलती है कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, लेकिन तभी वहां नर्सेज आकर इलाई को मेडिकल प्रोसीजर वाले रूम में ले जाती है। इस सीन में डॉक्टर हॉर्न हेली को यू अगेन बोलती है, विच सिग्निफाइज कि हेली यहां अक्सर पेशेंट से बातें करने आती है। मीनवाइल रोज को होश आता है और उन्हें इस चेंबर में रखे क्रूसिफिक्स में नाइफ मिलती है। इतना ही नहीं, इस चेंबर में रखे बड़े कंटेनर के अंदर उन्हें तीन बच्चों की लाश दिखती है, जिन्हें डॉक्टर हॉर्न ने पहले ट्रीट किया था। एंड दिस प्रूव्ड कि डॉक्टर हॉर्न के सारे पेशेंट्स मारे जाते हैं। रोज फौरन ही चाकू लेकर डॉक्टर हॉर्न को थ्रेटन करती है, ताकि वो अपने बेटे इलाई को यहाँ से ले जा सके। लेकिन दोस्तों, पॉल रोज से वो चाकू लेकर डॉक्टर हॉर्न को देता है, ताकि वो अपनी नर्सेज के साथ थर्ड प्रोसीजर शुरू कर सके। अब दोस्तों, थर्ड प्रोसीजर बिल्कुल अलग थी, क्योंकि यहाँ किसी भी साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं, बल्कि एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर हॉर्न और नर्सेज नंस वाली ड्रेसेस पहनती है और वो लोग इलाई पे होली वाटर वगैरह स्प्रिंकल करने लगती है। ऐसा होने से इलाई की स्किन बर्न होती है और वो पूरी तरह से रेड हो गया था। डॉक्टर हॉर्न बाइबल के वर्सेस को रिसाइट करती हैं और वो क्रूसिफिक्स वाले चाकू से इलाई को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इलाई उन्हें अपने पावर से रोक लेता है। हियर कम्स अनदर ट्विस्ट, जहां हमें पता चलता है कि इलाई के पास कुछ पावर्स थे और वो इनका इस्तेमाल करके डॉक्टर हॉर्न को ही स्टैप करवा देता है। इलाई पूरी तरह से रेड होकर काइंड ऑफ बर्न होने लगता है और वो अपनी बंदिशों से आज़ाद हो जाता है। इलाई अपने पावर से नर्सेज को हवा में लेविटेट कराने लगता है और वो अपनी मॉम से चिल्ला चिल्लाकर सच पूछना शुरू करता है। इलाई की मॉम रोज बताती है कि इलाई कभी बीमार था ही नहीं, बल्कि ये लोग हमेशा उसे ऐसा फील करवाए कि वो बीमार है। रोज फर्दर एड्स कि पहले उन्हें बच्चा हो ही नहीं रहा था और वो भगवान को हमेशा एक बच्चे के लिए प्रे करती थी, बट द गॉड नेवर आंसर्ड। फाइनली रोज ने डेविल को प्रे किया और डेविल ने रोज की विश ये बोलकर पूरी की कि उनका बच्चा एक नॉर्मल ह्यूमन होगा, बट द डेविल ऑलवेज लाइज, क्योंकि रोज और डेविल का बच्चा इलाई भी ठीक डेविल की तरह था। इसीलिए मिलर्स ने इलाई को हमेशा सबसे अलग रखा, उसे टैनर रूट्स और होली वाटर वगैरह पिलाया ताकि वो नॉर्मल हो जाए, बट नन ऑफ दिस एवर वर्क्ड। फाइनली डॉक्टर हॉर्न और नर्सेज उसकी डीएनए चेंज करने की कोशिश करने लगे और ऐसा न कर पाने पे दे ट्राई टू किल हिम। इन बातों को सुनकर इलाई अपनी पावर्स से नर्सेज और डॉक्टर्स की बॉडी में आग लगाकर उन्हें मार डालता है और वो अपने पिता को भी मार देता है, क्योंकि इलाई के पिता उसे मारने की कोशिश करते हैं। फाइनली इलाई अपने ट्रू डेविल फॉर्म में आता है और वो उस पूरे घर में आग लगाकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। घर के बाहर इलाई का वेट हेली कर रही थी और वो बताती है कि वो भी डेविल की बेटी है। इस सीन में हेली की आईज भी रेड होती है और वो बताती है कि इस घर के घोस्ट वही तीन बच्चे थे जिन्हें डॉक्टर हॉर्न ने मार डाला था। वो तीनों भी डेविल के बच्चे थे, लेकिन दे वर नॉट स्ट्रांग इनफ टू सर्वाइव। इलाई आस्क्स कि हेली ने पहले उसकी मदद क्यों नहीं की, तो इस पे हेली का कहना था कि डेविल के बच्चों को अपना रास्ता खुद बनाना होता है और डेविल ने हेली को किसी की भी मदद करने से मना किया है। इलाई और हेली हाफ ब्रदर एंड सिस्टर्स थे और हेली इलाई को उनके पिता यानी डेविल से मिलवाने का प्रस्ताव रखती है। यहाँ इलाई की माँ भी मौजूद थी और इलाई बोलता है कि ही ट्रस्ट्स हिज मदर। हेली इलाई की माँ को कार ड्राइव करने बोलती है ताकि ये लोग डेविल के पास जा सके। इलाई की माँ वाज स्केयर्ड, लेकिन इलाई उन्हें काम डाउन होने बोलता है। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इलाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट हो गया था और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इलाई मूवी की कहानी। एंड आई नो कि आप सबके मन में फिलहाल कई डाउट्स आ रहे होंगे, बट डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको इस फिल्म की समरी देते हुए कुछ अपनी पर्सनल थॉट्स बताऊंगा विच विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो कहानी एकदम सिंपल है, जहां मिलर्स फैमिली को बच्चा नहीं हो रहा था और इसलिए रोज ने डेविल से बच्चा मांगा। डेविल ने रोज को ये बोल के ट्रिक किया कि उनका बच्चा नॉर्मल होगा, लेकिन दोस्तों रोज का बेटा इलाई भी डेविल की तरह ही था। 4 साल पहले से मिलर्स ने इलाई को इस तरह से पाला मानो उसकी इम्यून सिस्टम आउटसाइड वर्ल्ड को झेल नहीं पाएगी, लेकिन दोस्तों इलाई हमेशा से ही एकदम फिट था। मिलर्स किसी तरह इलाई के अंदर से डेविल की डीएनए को बाहर निकालना चाहते थे और इसीलिए ये लोग डॉक्टर हॉर्न के पास गए थे, जो कि इससे पहले 3 डेविल के बच्चों को ठीक करने का दावा कर रही थी। डॉक्टर हॉर्न दरअसल इन बच्चों को पहले 2 प्रोसीजर्स में ठीक करने की कोशिश करती थी बाय इंजेक्टिंग होली वाटर, पुटिंग टैनिस रूट्स एक्सेट्रा, लेकिन इन प्रोसीजर्स के नाकाम होने पे वो 3rd प्रोसीजर करती थी, जिसमें वो एग्जॉर्सिज्म वगैरह करके बच्चे को मार डालती थी।
पॉल को शायद ये बात पता थी, बट पॉल वॉज रेडी टू सैक्रीफाइस हिज सन, और इसीलिए उसने रोज को मरने वाली बात नहीं बताई। रोज अपने बेटे को सैक्रीफाइस नहीं करना चाहती थी, और मूवी के एंड में इलाई अपनी ट्रू पावर्स को रियलाइज करके सभी को मार डालता है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि अगर इलाई को आउटसाइड वर्ल्ड से कोई एलर्जी नहीं थी तो उसकी स्किन रेड होके बर्न क्यों होने लगती थी। दोस्तों इसका जवाब काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इलाई आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं बल्कि स्ट्रेस्ड आउट या फिर गुस्सा होने से रेड होकर अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगता था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में जब कुछ बुलीज इलाई को छेड़ते हैं तो उस वक्त इलाई सूट फटने से नहीं बल्कि बुलीज पे गुस्सा होने की वजह से रेड होने लगा था। इसीलिए इलाई की माँ उसे उनकी तरफ ना देखते हुए काम डाउन होने को बोलती है, जिससे वो वापस नॉर्मल होता है। फिल्म के अंदर इलाई बोलता है कि वो इनिशियली नॉर्मल था और 4 साल पहले से उसे ये बीमारी हुई, विच सजेस्ट्स कि जन्म के वक्त इलाई एकदम नॉर्मल था, लेकिन 4 साल पहले से उसके अंदर की डेविल वाली डीएनए सक्रिय हो गई और वो धीरे धीरे डेविल फॉर्म में आने लग गया था। मिलर्स नहीं चाहते थे कि इलाई को कभी पता चले कि वो डेविल का बेटा है, और इसीलिए वो लोग बीमारी का बहाना देने लग गए थे। मूवी की एक सीन में पॉल रोज को बोलता है कि इट्स ऑल योर फॉल्ट, और रोज भी 2 बार एक्सेप्ट करती है कि इट्स योर फॉल्ट, क्योंकि उसने ही डेविल को बुलाकर उससे बच्चा मांगा था। एक और सीन जहां डॉक्टर हॉर्न कहती है कि स्ट्रेस मेक्स सिम्टम्स वर्स, विच अगेन प्रूव्स कि इलाई स्ट्रेस या फिर गुस्से में रेड होने लगता था। अब अगर आपको याद हो तो 3 घोस्ट्स या फिर इलाई के मरे हुए हाफ ब्रदर सिस्टर्स उसे घर के बाहर डाल दिए थे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो इलाई को बचाना चाहते थे। यही वजह है कि वो लोग लाई वगैरह लिखते थे ताकि इलाई समझ सके कि सब लोग उससे झूठ बोल रहे हैं। बाहर जाने पे इलाई को खुद एहसास हो जाता कि वो बीमार नहीं है, लेकिन दोस्तों डीकॉन्टामिनेशन चेंबर में मोस्टली इलाई के ऊपर होली वाटर स्प्रिंकल किया गया था, जिस वजह से उसकी स्किन बर्न होने लगी थी, और इलाई को लगा कि उसकी स्किन बाहर जाने से रिएक्ट कर रही है। एन वक्त पे डॉक्टर हॉर्न भी इलाई को अंदर ले आई थी। इसके अलावा इलाई को हमेशा पानी चढ़ाया जा रहा था, और मेरा मानना है कि वो भी होली वाटर ही थी टू सप्रेस द डेविल इनसाइड हिम। इस फिल्म के दौरान हेली इलाई को एक मैजिक ट्रिक भी दिखाती है, जहां वो हैंड में फायर बर्न करके उसे काइंड ऑफ कंट्रोल कर पाती है। इलाई को उस वक्त लगता है कि ये बस एक ट्रिक है, लेकिन दोस्तों मूवी के एंड में इलाई भी फायर को कंट्रोल कर पा रहा था, विच प्रूव्स कि हेली भी एक्चुअली फायर को कंट्रोल कर रही थी। एक और बात जो मुझे इस फिल्म में शुरू से अजीब लग रही थी कि इलाई और हेली एक दूसरे के थ्रू थिक ग्लास से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, जबकि यूजुअली अगर 2 इंसान के बीच में एक बड़ी सी ग्लास होती है तो आवाज़ आर पार नहीं जाती है। सो दिस अगेन शोज अ स्मॉल कनेक्शन बिटवीन द टू, क्योंकि ये दोनों हाफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे और ये दोनों डेविल के बच्चे थे। अब दोस्तों जब आप इस फिल्म को इसकी कहानी जानने के बाद देखेंगे तो आप एक एक सीन को क्लियरली समझ पाएंगे कि कैसे डायरेक्टर ने हमें शुरुआत से ही हिंट्स दिया था कि इलाई बीमार नहीं है, लेकिन हम इस बात को शुरू में समझ ही नहीं पाते हैं। इलाई एक डेविल का बेटा था, और यही वजह है कि पॉल कभी भी इलाई की तरफ अफेक्शनेट नहीं थे। पॉल वॉज ऑलवेज रूट टू हिम, और इलाई भी एंड में पॉल को बिना हिचकिचाए मार डालता है। ओवरऑल इस फिल्म की ट्विस्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एंड आई कैन रिकमेंड दिस मूवी टू एनीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।